गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम्स कॉर्नर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेज़न विंटर कुर्ती हॉल वीडियो। तो ये सारी कुर्तियां वुलन फैब्रिक में है और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में है। ये सारी कुर्तियां आपको मिल जाएंगे 1100 के अंडर, क्योंकि वुलन जो कुर्तियां होती है थोड़ी सी कॉस्टली आती है रेगुलर वेयर कुर्तियों से, तो इसलिए और इन्हें आप रेगुलर वेयर में और अगर आप कहीं मार्केट वगैरह जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं, तो वहां पर भी इन्हें आराम से पहन सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी कुर्ती पसंद आती है और आप उसे परचेज करना चाहते हैं, तो इन सभी कुर्तियों को आपको एक सिंगल लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हॉल पैक के नाम से। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आज दिखाई जाने वाली सारी कुर्तियों की पिक्स वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो जो भी आपको पसंद आती है उस पर क्लिक कीजिए, वो डायरेक्ट आपको अमेजोन की साइट पर ले जाएगा, उसके बाद आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे देखिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, उसके साथ बेल आइकन है उसे जरूर हिट कर दीजिएगा। उसे क्या हो कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा एंड आप वीडियो देख सकेंगे। तो अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आज के लुक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको ये इयररिंग्स पसंद आ रही तो इसकी वीडियो आ चुकी है, लास्ट वीडियो मैंने इसकी डाली थी तो आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये साड़ी पसंद आ रही है तो इसकी वीडियो जल्द ही आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड जो आज की हमारी फर्स्ट कुर्ती है वो है कुछ इस तरह की मरून कलर में वेलवेट फैब्रिक की कुर्ती। वेलवेट फैब्रिक भी ज्यादातर सर्दियों में पहना जाता है और ये दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर लगता है, रॉयल लगता है, तो इसलिए एक कुर्ती तो मुझे वेलवेट फैब्रिक की चाहिए ही थी। तो ये कुछ इस तरह की बिल्कुल प्लेन कुर्ती है, सिर्फ इसके फ्रंट में आपको ये डिफरेंट प्रिंट का ये फैब्रिक मिल जाता है, कुछ इस तरह से पैच वर्क किया गया है इसमें, ये देखिए। और इसमें आपको मिल जाएगा वी नेक एंड यही सेम डिटेलिंग फैब्रिक की आपको स्लीव्स के एंड में भी मिल जाएगी, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये जो कुर्ती है पहनने पे काफी ज्यादा स्मार्ट लगती है, सुंदर लगती है, क्योंकि एक तो ये ब्राइट मरून कलर में है। इस तरह के डार्क कलर विंटर्स में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, चाहे वो लिपस्टिक हो चाहे वो आउटफिट हो। तो मुझे वैसे भी ये कलर काफी ज्यादा पसंद है एंड ये कुर्ती मैंने परचेज की है एक्सल साइज में। मैं विंटर वेयर में हमेशा एक साइज बड़ा ही परचेज करती हूँ। और अगर हम बात करें इसके फैब्रिक की तो ये ज्यादा मोटे वाला फैब्रिक नहीं है और आप जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल भी सी थ्रू भी नहीं है, तो आप इसे कंफर्टेबली पहन पाएंगे सर्दियों में भी और अगर आप गर्मी में पहनना चाहें तो भी पहन सकते हैं। अगर थोड़ी थोड़ी ठंड होती है ना जब, तो इसे तब आप आराम से पहन सकते हैं। तो ये थी कुछ इस तरह की स्ट्रेट फिट काफ लेंथ की कुर्ती, मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। तो आज मैं जितनी भी कुर्ती आपको दिखाने वाली हूँ उनमें से सबसे सस्ती कुर्ती यही है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा अफोर्डेबल होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ। जो नेक्स्ट कुर्ती है वो है कुछ इस तरह की ब्लू एंड ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में कुर्ती है और इसमें कुछ इस तरह की मैंडेन कॉलर के साथ ये इस तरह का नेक मिल जाता है। विंटर वेयर में जो कुर्तियां होती है उनमें ज्यादातर इसी तरह के नेक होते हैं, क्योंकि ऊपर तक हमें बिल्कुल बंद चाहिए सर्दी ना लगे इसीलिए, तो इसलिए इसी तरह के नेक ज्यादातर आपको कुर्ते में मिलेंगे। तो इसके नेक के चारों तरफ आपको कुछ इस तरह का प्रिंट मिल जाता है, ये देख सकते हैं, जो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। एंड नीचे की तरफ आपको इसमें ग्रीन एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट मिल जाएगा फ्रंट में। एंड पीछे की तरफ इसमें आपको कुछ इस तरह का प्रिंट मिल जाता है, देखिए डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू कलर में। और नीचे की तरफ ये देखिए कितना सुंदर प्रिंट इसमें नीचे की तरफ मिल जाएगा, पीछे की तरफ ये सिर्फ फ्रंट में नहीं दिया गया है। और ये स्ट्रेट फिट काफ लेंथ की कुर्ती है, तो ये कुर्ती मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, पहनी काफी ज्यादा स्मार्ट लगती है। इसे आप कॉलेज में भी ऑफिस में भी आराम से पहन के जा सकते हैं। एंड अंदर की तरफ से भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए कुछ इस तरह का फैब्रिक है अंदर की तरफ से। इसका कलर तो खैर है ही प्यारा, लेकिन अगर हम बात करें इसके फैब्रिक की तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा सॉफ्ट वुलन फैब्रिक इसमें दिया गया है और बिल्कुल भी पतले वाला वुलन फैब्रिक नहीं है, सॉफ्ट है बट मोटे वाला वुलन फैब्रिक है, तो इसमें आपको ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी। और सबसे अच्छी चीज मुझे लगी इस कुर्ती में, इसमें आपको दोनों तरफ पॉकेट्स मिल जाएंगी, ये देखिए यहाँ पर भी और इस तरफ भी, ये देखिए। वैसे तो सभी कुर्तियों में पॉकेट नहीं मिलती है, लेकिन अगर एक भी पॉकेट मिल जाती तो काफी ज्यादा इजी हो जाता है, अलग से आपको स्लिंग बैग कैरी नहीं करना पड़ेगा, मोबाइल लेना होगा, कार्ड या फिर थोड़ा बहुत कैश लेना होगा तो आप पॉकेट में रख सकते हैं, लेकिन इसमें तो आपको एक नहीं दोनों साइड पॉकेट मिल जाती है। तो ये चीज मुझे इस कुर्ती में काफी ज्यादा पसंद आई और इसमें मैंने साइज परचेज किया है लार्ज और इसमें इसका जो MRP दिखा गया वो है 1499, आई थिंक ये 999 रुपीज में आपको मिल जाएगी कुर्ती, इसी रेंज की इसमें ज्यादातर कुर्तियां हैं। तो पर ये कुर्ती मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप आई थिंक डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसका कलर प्रिंट फैब्रिक दो पॉकेट भी है, तो सब कुछ इसमें काफी ज्यादा अच्छा है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ। जो नेक्स्ट कुर्ती है वो भी मरून कलर में ही है, बट ये कुर्ती मैंने नहीं परचेज की थी, इसकी जगह आई थिंक मैंने कोई और कुर्ती परचेज की थी और उन्होंने ये वाली डिलीवर कर दी, बट मैंने चाहा एक्सचेंज करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ ताकि अगर आपको पसंद आए तो आप इसे परचेज कर सकें। तो ये कुछ इस तरह की कुर्ती, ये वुलन फैब्रिक में, प्योर वुलन फैब्रिक में कुर्ती है, इसमें भी आपको मेंटेन कॉलर मिल जाता है और कॉलर के चारों तरफ ये कुछ इस तरह का ये वुलन फैब्रिक है, ये देखिए बेज कलर का, और फ्रंट में भी कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी की गई है ब्लैक एंड बेज कलर में, देख सकते हैं, जो काफी ज्यादा सुंदर लगी ऊपर आते हुए।
स्ट्रेट फिट काफ रंग की कुर्ती है, और नीचे की तरफ इस कुर्ती में आपको ये बेल वाली एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, देखिए कुछ इस तरह से ऑफ वाइट एंड ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन में, और सबसे नीचे ये सेम बेज कलर का ये फैब्रिक या फिर ये ऊनी है एक्चुअली, तो ये इस तरह की लेस मिल जाएगी, एंड पीछे से ये लेस नहीं दी गई है, पीछे से ये कुर्ती बिल्कुल प्लेन है, तो ये कलर भी काफी ज्यादा प्यारा है, ये प्योर वुलन फैब्रिक में, इसमें आपको इसमें भी पॉकेट दी गई है दोनों तरफ, है कि नहीं, हाँ दोनों तरफ इसमें भी आपको पॉकेट दी गई है, देखिए ये देखिए कुर्ती गलती से आ गई लेकिन मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, सोच रही हूँ कि रखूँ या नहीं रखूँ, समझ में नहीं आ रहा, तो आप बताइए कि आपको ये कुर्ती कैसी लगी, मुझे रखनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे वैसे ही काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, बट यहाँ पर क्योंकि इतनी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती है ना, तो ये प्योर वुलन फैब्रिक है, बट ये वैसे वाला मोटा ऊनी चुभने वाला फैब्रिक नहीं है, काफी ज्यादा सॉफ्ट ऊनी फैब्रिक है, एंड बहुत ज्यादा मोटे वाली ऊन नहीं है, तो इसे आप आराम से कंफर्टेबली पहन पाएंगे, तो मुझे तो कुर्ती अच्छी लगी क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, इसका फैब्रिक भी काफी ज्यादा अच्छा है, और इसमें भी आपको दोनों तरफ पॉकेट्स मिल जाएंगी, और ये ब्रांड रेबेका से है, और इसमें मेरा साइज L है, तो मुझे ये कुर्ती पसंद आई, अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, और देखना ये पड़ेगा कि ये मुझे कहीं टाइट ना हो, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ, जो नेक्स्ट कुर्ती है वो भी मैंने नहीं मंगवाई थी, इसके लिए मैंने किसी और कुर्ती का ऑर्डर किया था, इस कुर्ती के कैटलॉग में आपको और भी काफी सारे डिजाइन और प्रिंट्स मिल जाएंगे, तो मैंने दूसरा डिजाइन चूज किया था बट मुझे ये वाला डिलीवर हुआ, क्योंकि अब ना सर्दियों का टाइम है और इस टाइम पर बहुत जल्दी जो विंटर कलेक्शन है वो आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, तो इसीलिए आई थिंक वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई होगी, और उसकी जगह इन्होंने मुझे ये वाला डिलीवर कर दिया है, बट मैं इस तरह की कुर्तियाँ नहीं पहनती हूँ इसीलिए, बाकी अगर आपको पसंद आती है तो आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसका फैब्रिक अच्छा है, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह की कुर्ती है, काफी ज्यादा थिक सॉफ्ट वुलन फैब्रिक की कुर्ती है, लाइक बाहर तो खैर ठंड लगेगी लगेगी लेकिन अगर आप ऑफिस के अंदर बैठे हैं या फिर घर के अंदर है तो इसमें आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने वाली, ऊपर से आपको कोई भी स्वेटर या कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस तरह का इसका कुछ फैब्रिक है, तो ये कुछ इस तरह की गाजरी एंड ब्लू कलर की कॉम्बिनेशन में कुर्ती है, ब्लू कलर का इसमें प्रिंट किया गया है और बेस कलर जो है इसका गाजरी है, और ये देखिए इसमें भी आपको मेंटेन कॉलर मिल जाता है, और फ्रंट में ये देखिए कुछ इस तरह की ब्लू कलर की पाइपिंग है, और यहाँ पर कुछ इस तरह के स्टोन की डिटेलिंग दी गई है, देखिए और जो पाइपिंग है नीचे तक दी गई है, एंड सामने नीचे की तरफ छोटी सी स्लिट मिल जाती है, और साइड में भी स्लिट दी गई है, ऐसे नहीं कि साइड में नहीं है, एंड फुल स्लीव्स दी गई है, स्लीव्स पे कुछ इस तरह का प्रिंट है, मुझे इसका प्रिंट काफी ज्यादा पसंद आया है, एंड पीछे की तरफ भी इसमें प्रिंट है, प्लेन नहीं है कुर्ती, देखिए छोटा छोटा बूटी वाला प्रिंट इसमें पीछे की तरफ मिल जाएगा, और नीचे की तरफ भी कुछ इस तरह का स्ट्राइप्स वाला प्रिंट मिल जाता है ब्लैक एंड ब्लू कलर की कॉम्बिनेशन में, तो ये कुर्ती पहनी हुई कैसी लगती है वो आप ट्रायल में देख सकते हैं, बाकी इस कुर्ती का फैब्रिक प्रिंट सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा है, और इसमें पॉकेट देखनी पड़ेंगी, हाँ इसमें भी पॉकेट है, आई थिंक विंटर वेयर में शायद कुर्तियों में ज्यादातर में पॉकेट्स आती ही हैं क्योंकि ठंड का टाइम होता है इसलिए, तो इसमें भी दोनों तरफ आपको पॉकेट मिल जाती है, तो ये चीज मुझे इन कुर्ती में काफी ज्यादा पसंद आ रही है, इनमें आपको सिर्फ एक साइड नहीं दोनों साइड पॉकेट्स मिल जाएंगी, और पीछे की तरफ से ये देखिए कुछ इस तरह का सॉफ्ट वुलन फैब्रिक है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, क्योंकि कई लोगों को प्योर वुलन फैब्रिक से और जो ज्यादा मोटा वुलन फैब्रिक होता है उससे एलर्जी हो जाती है, मुझे तो बहुत ज्यादा हो जाती है, पूरे बॉडी में रेडनेस हो जाती है, तो मैं नहीं पहन सकती हूँ, तो मैं ऐसे फैब्रिक की विंटर वेयर के लिए कुर्तियां देख रही थी जो सॉफ्ट भी हो और आपको सर्दियों से बचाए भी रखे, और इस कुर्ती में मैंने परचेज किया लार्ज साइज, लेकिन मैं ज्यादातर एक्सेल साइज ही परचेज करती हूँ, पता नहीं कैसे, शायद मुझसे गलती हो गई या फिर उन्होंने गलत भेज दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसमें एक्सेल साइज आई थिंक परचेज किया था, बाकी इसकी फिटिंग कैसी आती है वो आप ट्रेंड में देख ही सकती हैं, सिर्फ ये वाली कुर्ती मुझे यहाँ से टाइट है, और इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड अच्छा वॉर्म फैब्रिक इसमें दिया गया है, सो मेरी तरफ से हाईली हाईली रिकमेंडेड है, तो अगर आपको कुर्ती पसंद आ रही है तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो, इसका फैब्रिक तो काफी ज्यादा अच्छा है और प्रिंट आप देख ही चुके हैं, और ट्रेंड में भी आप देख सकते हैं कि कुर्ती पहनने के बाद कैसी लगती है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ, और मेरे ज्यादातर कुर्ती में आपको अलग अलग प्रिंट्स और डिजाइन मिल जाएंगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन दिए गए तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, तो जो नेक्स्ट कुर्ती मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही प्यारे से ग्रीन कलर की कुर्ती है, देखिए कुछ इस तरह की कुर्ती है, इसमें भी आपको मेंटेन कॉलर मिल जाता है, उसका फैब्रिक भी काफी ज्यादा थिक है, आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगने वाली है, इसमें अंदर की तरफ से काफी ज्यादा सॉफ्ट वुलन फैब्रिक है, देख सकते कुछ इस तरह का, एंड इसमें भी मेरा साइज लार्ज ही है, और इसका जो ब्रांड है वो है रेबेका, और फ्रंट में आपको कुछ इस तरह का गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, देखिए जो काफी ही ज्यादा सुंदर लग रही है, देख सकते हैं पहनने के बाद ये कुर्ती बहुत प्यारी लगेगी, आप इसे किसी पार्टी वेयर में भी पहन के जा सकते हैं, कुछ इस तरह की कुर्ती है, नीचे की तरफ ये देखिए कुछ इस तरह का प्रिंट आपको मिल जाएगा, दोनों तरफ दिया गया है फ्रंट में भी और बैक में भी, और सेंटर में इस कुर्ती के कुछ इस तरह का प्रिंट है ब्लैक कलर का, ये देखिए ऑल ओवर कुर्ती में, तो पीछे की तरफ भी है,
तो ये कुछ इस तरह की कुर्ती है, पार्टी वेयर कुर्ती है एक्चुअली। आप इसे आराम से पार्टीज वगैरह में पहन के जा सकते हैं, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगने वाली आपको। फुल स्लीव्स दी गई हैं, स्लीव्स भी सेम इसी तरह की है। एंड में स्लीव्स के आपको कुछ इस तरह का ये जो एम्ब्रॉयडरी दी गई है, एक्चुअली प्रिंट नहीं है, एम्ब्रॉयडरी है, तो इसके गोल्डन कलर के निकलने के चांसेस नहीं है बिल्कुल भी। एंड इस कुर्ती में भी दोनों साइड आपको डीप पॉकेट्स मिल जाती हैं, तो इस कुर्ती में भी कहीं कोई कमी नहीं है। इसका जो इसमें एम्ब्रॉयडरी और प्रिंट किया गया है वो भी काफी ज्यादा प्यारा है। इसका फैब्रिक काफी ज्यादा अच्छा है, सॉफ्ट फैब्रिक है, मोटा है, इसमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। और इसका कलर तो आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा प्यारा है। इस तरह के ब्राइट डार्क कलर्स विंटर सीजन में काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो अगर आपको एक कुर्ती पसंद आती है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और ये स्ट्रेट फिट काफी लेंथ की कुर्ती है। एंड फॉर रेफरेंस मैं अपनी हाइट बता दूं, मेरी जो हाइट है वो है 5'5", तो उसके अकॉर्डिंग आप हिसाब लगा सकते हैं कि कुर्ती आपको कहाँ तक आने वाली है। सो बढ़ते हैं लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लेस्ट कुर्ती की तरफ। जो लास्ट कुर्ती है वो इतनी ज्यादा सुंदर लगी, तो इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसका फैब्रिक, सब कुछ मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। स्पेशली इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है और इस पर जो बुनाई की गई है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। सबसे फेवरेट कुर्ती इस वीडियो की मेरी यही है। और ये देखिए कुछ इस तरह की ब्यूटीफुल पिंक येलो ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में है ये। तो ये नी लेंथ की स्ट्रेट फिट कुर्ती है और इसमें भी आपको ये मैंडरिन कॉलर मिल जाएंगे। और इसमें कुछ इस तरह का डायमंड कट में ये डिजाइन दिया गया है येलो एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में। ये दोनों ही कलर्स काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, काफी ज्यादा ब्राइट कलर की कुर्ती है, तो ये पहनने में बहुत प्यारी लगेगी। और इसके फ्रंट में वेस्ट एरिया तक कुछ इस तरह का फ्रॉक प्रिंट मिल जाएगा। प्रिंट नहीं है एक्चुअली, ये वूलन का ही डिजाइन दिया गया है इसमें कुछ इस तरह का, ये देखिए। और इस कुर्ती के साइड में कुछ इस तरह का पैटर्न मिल जाएगा आपको डायमंड शेप में। और सबसे नीचे कुछ इस तरह का डिजाइन दिया गया है, देखिए। और यही सेम पैटर्न आपको इस कुर्ती के बैक साइड में मिल जाता है। तो ये कुर्ती पहनी हुई बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी। तो ये भी एक पार्टी वेयर कुर्ती है और ये आई थिंक इस वीडियो की सबसे कॉस्टली कुर्ती है। आई थिंक ये आपको 1100 या फिर 999 रुपीज में मिल जाएगी। आई थिंक 1100 के करीब ही आपको ये कुर्ती मिलेगी, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। एंड इस कुर्ती में सिर्फ एक साइड लेकिन काफी ज्यादा डीप पॉकेट दी गई, तो आपकी सारी चीजें आराम से इसमें आ जाएंगी, फोन, कार्ड, सब कुछ। और सबसे अच्छी मुझे इस कुर्ती की स्लीव्स लगी हैं, ये देखिए कुछ इस तरह की इसकी स्लीव्स हैं, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। एंड स्लीव्स के सेंटर में जो डिजाइन दिया गया है वो कुछ इस तरह का ही, देखिए। तो इसकी स्लीव्स बहुत ज्यादा प्यारी है। हाँ, इसमें कुछ सितारे वितारे नहीं लगे, लेकिन अगर आप सिंपल सोबर लेकिन ब्राइट कलर की कुर्ती चाहते हैं तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअली आपको इसे एक बार ट्राई जरूर करके देखना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा सुंदर लगती है पहनने पर कुर्ती। इसके साथ ब्लैक, पिंक, येलो किसी भी कलर के कॉम्बिनेशन में कोई विंटर के हिसाब से ही कोई पजामे पहन सकते हैं, तो एकदम परफेक्ट पार्टी वेयर कुर्ती। इसके कलर्स तो आप देख ही चुके हैं, इसका पैटर्न, डिजाइन, वूलन फैब्रिक, सब कुछ मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। मोटे वाला वूलन फैब्रिक है, सॉफ्ट है, बट तो इसे आप आराम से पहन पाएंगे। इसका साइज, हाँ, इसमें आई थिंक मैंने डबल एक्सएल परचेज किया है, क्योंकि ये मुझे थोड़ी सी लग रही थी टाइट हो सकती, तो आई थिंक इसमें मैंने डबल एक्सएल परचेज किया है। बाकी इसका साइज इसमें कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा है। सो ये थी आज की सारी कुर्ती, ये आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट कुर्ती कौन सी थी वो भी मुझे जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। एंड फॉर माय न्यू अपडेट्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज pink.brownie। सो फिर मिलती मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।